आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित वैशाली नगर में मंगल प्रवेश हुआ। रंगोली सजाकर एवं गाजे बाजों के साथ नगर वासियों ने आचार्य संघ की भव्य अगवानी की। इस दौरान समूचा नगर गुरु संघ का अनुसरण करता नजर आया। निवाई के श्री शांतिनाथ दिगंबर अग्रवाल जैन मंदिर में भारत गौरव आर्यका श्री विज्ञा श्री माता जी ने 22 नवंबर को केश लॉन्च की क्रियाएं संपन्न की। आर्यका श्री की इस कठिन साधना की जैन समाज अनुमोदना करता है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में जयपुर के आमेर स्थित श्री चंद्र प्रभु निलय का लोकार्पण समारोह 20 से 22 नवंबर के मध्य आयोजित हुआ, जिसमें सौभाग्यशाली परिवारों ने शिलालेख का लोकार्पण कर धर्मलाभ किया। अंतर्मना गुरुदेव आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की मौन साधना सम्मेद शिखर पर चल रही है। गुरुदेव की महापारणा महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव के समिति ने लखनऊ पहुंचकर मधुबन में आयोजित होने वाले महोत्सव में पधारने के लिए समस्त जैन समाज को आमंत्रित किया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों का सम्मान किया गया। श्री महावीर जी के श्री शांतिवीर नगर स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान भगवान शांतिनाथ की मूल नायक प्रतिमा लगभग 31 फुट ऊंची है, जिनकी भक्तों ने 1008 पंच फलों से पूजा आराधना की, जिसमें श्रावक श्राविकाओं को मुनि श्री अमित सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। सीकर के स्वर्णकार भवन में निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन समाज के तत्वाधान में किया गया, जिसमें सुपर स्पेशलिटी टीम ने निशुल्क जांच आदि कर स्वास्थ्य के बारे में बताया। इस दौरान सभी का सम्मान किया गया। ललितपुर के अभिनंदनोदय तीर्थ में विराजमान निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह होने जा रहा है। आयोजन से पूर्व अशोकनगर के युवा वर्ग की टीम ने स्थान का निरीक्षण किया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री निष्प्रह सागर जी महाराज सत्संग का रामटेक की प्रतिभा स्थली में मंगल प्रवेश हुआ। स्थानीय समाज ने मुनि संघ के गाजे बाजों के साथ भव्य अगवानी की। We'll be right back.